नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जयस्ता न्यूज़। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट दी गई है ये किसी और के द्वारा नहीं बल्कि बीजेपी के एक बड़े नेता क्रिस सौम्या के द्वारा दी गई है। बताया जा रहा है कि क्रिस सौम्या के ऊपर हमला हुआ है। अब आखिरकार क्या अपडेट है पूरी, उसके बारे में वन बाई वन करके मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। लेकिन उससे पहले बता दूँ कि कुछ टाइम पहले ही क्रिस सौम्या के द्वारा एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया गया था जहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना से ही एक महिला सांसद हैं जिनका नाम है भावना गवली, इनके ऊपर 100 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया गया था, जिसमें बोला गया था कि भावना गवली जो हैं इन्होंने बालाजी पार्टिकल बोर्ड फैक्ट्री में 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और ये जो आरोप लगाया गया था ये क्रिस सौम्या के द्वारा लगाया गया था और जिस पे इंक्वायरी करने की बात की जा रही थी। अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अभी जो है क्रिस सौम्या जो हैं ये वासिम डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे थे और इसी चीज़ का मुआयना करने की आखिरकार इसमें कितना परसेंट सच्चाई है। और ये जो है उस फैक्ट्री के अंदर जो है आज वासिम डिस्ट्रिक्ट में गए थे और इसका जो है अपनी तरफ से मुआयना करने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जैसे ही क्रिस सौम्या वहाँ पर पहुँचते हैं वैसे ही इनके ऊपर कुछ लोग जो है हमला कर देते हैं। हमला इन द सेंस कि इनके ऊपर जो है पत्थर बरसाना स्टार्ट कर देते हैं, इनके ऊपर इनके कार के ऊपर पत्थर मारते हैं और साथ में ही इंक का भी यूज़ किया जाता है जो कि इनकी गाड़ियों पर दिखाई दे रहा है, आप देख भी सकते हैं। जिसके बाद इन्होंने ट्विटर पे अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर करते हुए बताया कि शिवसेना के कुछ गुंडों ने आज मुझ पर जो है हमला किया था। बाय द वे इस हमले में वहां पर पुलिस जो है पहले से मौजूद थी जिसकी वजह से कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन इनके द्वारा सीधा सीधा आरोप लगाया गया है कि शिवसेना के कुछ गुंडों ने मिलकर इनको जो है चारों तरफ से घेर लिया था और इनके ऊपर जो है पत्थर भी बरसाए गए, जो कि काफी बड़ी बात है। अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ कि आखिरकार वो लोग कौन थे, लेकिन इनकी तरफ से सीधा सीधा यूज किया गया है शिवसेना के गुंडों का नाम जो है इनके द्वारा शिवसेना पार्टी का नाम लिया गया है और उनका जो है बोला गया है वो जो कार्यकर्ता थे वो कार्यकर्ता नहीं बल्कि गुंडे हैं, ऐसा जो है इनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया है। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे इस पे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन इसमें यही अभी तक अपडेट दी जा रही है कि इसमें जो है क्रिस सौम्या ने 100 करोड़ रुपए लेकर जो भावना गवली के ऊपर आरोप लगाया था उसी के लिए इनके ऊपर जब ये जो है आज वासिम डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे हैं तो इसीलिए इनके ऊपर ये हमला हुआ और इसीलिए जो है इनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। देखते हैं आने वाले टाइम पे इस पे मुंबई पुलिस या उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या कोई अपडेट आती है। इसमें आपका क्या ओपिनियन है आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आइकन जरूर प्रेस कर दें।